स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मंथन स्मार्ट क्लास पे। तो आइए आज हम देखते हैं हमारा हिंदी का जो अगला चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर क्या, चैप्टर हमने पढ़ा था कि समास, उसी समास में हम कुछ चीज़ों को अगला जो पार्ट हमारा है समास में उसको डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले हमने समास के लगभग जो प्रकार हैं, समास के टाइप हैं, कुछ इसके प्रकारों पर हमने चर्चा किया है। तो अगर आप हमारे वीडियो के साथ में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो आप उन वीडियो को पहले आगे देखिएगा ताकि आगे के वीडियो आपको तभी समझ में आएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा ताकि आज आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे जो बिल्कुल यूनिक होंगे, किताब से हटके होगा ये, क्या होगा किताब में चीज़ें कुछ नॉर्मली हैं लेकिन यहाँ क्या होगा उससे अलग आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारा समास का प्रकार होगा। आज दो समास के प्रकार पढ़ेंगे, एक तो नए समास और दूसरा हमारा क्या होगा बहुव्रीहि समास। इन दो समासों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे समास में, तो आगे हमने समास में चर्चा कर ही लिया था, तो याद रखिए समास में जो ये प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो होगा कौन सा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, तो ये हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानिए कि इसमें दो शब्द से बना हुआ, एक तो बहु एक तो ब्रीहि। ब्रीहि का मतलब होता है चावल। क्या होता है ब्रीहि का मतलब? चावल होता है। जब प्राचीन काल में जब आप पढ़ेंगे तो लगभग हड़प्पा सभ्यता कालीन में तो चावल की पहचान ब्रीहि शब्द से की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें समास में दो पद होंगे। क्या दो पद होंगे? तो ये जो समास होता है ये क्या होता है, उभय पद अप्रधान होते हैं। क्या? उभय पद अप्रधान। ठीक है, याद रखिए क्या उभय पद क्या होते हैं, अप्रधान होता है। ठीक है, अप्रधान। उभय पद मतलब हो गया दोनों। क्या? दोनों। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों, यानी कि दोनों पद क्या होंगे इसमें, अप्रधान होंगे। क्या होंगे? अप्रधान होंगे। और कोई तीसरा पद प्रधान होगा। क्या? कोई तीसरा पद क्या होगा इसमें, प्रधान होगा, यानी किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाएगा। कोई तीसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। ये आप बात इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे। आपसे आ सकता है कि बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको बताना होगा कि दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। प्रधान तो कोई नहीं होता है, प्रधान जब दोनों नहीं होते तो अब कौन होगा, तो तीसरा पद। कौन सा? तीसरा पद प्रधान होता है जबकि दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें से कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो कौन होता है, बहुव्रीहि बताना है आपको। ठीक है, बहुव्रीहि बताना है। चलिए, तो ये आप जब देखेंगे इसमें, तो दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि इसमें जो आपका उदाहरण मिलेगा ना, उदाहरण अधिकतर क्या होता है, अधिकतर, तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जितने भी क्या है ईश्वर या भगवान के पर्यायवाची शब्द, भगवान के पर्याय वाची शब्द। ठीक है, भगवान के पर्यायवाची शब्द वो क्या होंगे, सभी के सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। क्या? बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे, जैसे चतुर्भुज आ गया, चतुर्नन आ गया, त्रिनेत्र आ गया, ठीक है, मगरध्वज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब इस कैसे होगा, सब बहुव्रीहि समास। दूसरी बात देखें यहाँ पे कि योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, जो योगरूढ़ शब्द होता है, ठीक है, याद रखेंगे योगरूढ़ शब्द आपका कैसा होता है, तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। ठीक, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है, आप याद रखिएगा। आपने शब्द पढ़ा है ना, एक होता है रूढ़ औगिक और एक होता है योगरूढ़। तो योगरूढ़ मतलब हो गया क्या,
बनेगा तो दो शब्दों के योग से, दो पदों के योग से, लेकिन ये आरूढ़ हो जाएगा किसी तीसरे के लिए, क्या हो जाएगा? आरूढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना योगरूढ़ शब्द जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपका क्या होगा, जैसे आप पढ़ेंगे इसमें पीताम्बर, जैसे आप पढ़ेंगे नील कमल, आप पढ़ेंगे जैसे इसमें आपका पीताम्बर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, लंबोदर होगा, एक दंत होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो क्या होगा, आप लॉजिक लगाइएगा, क्या कैसे लॉजिक लगाएंगे, देखिए कि आपसे कभी भी क्वेश्चन आपसे आ जाए कि उसमें पूछ ले आपके सामने कि बताइए कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। ठीक है, पूछ ले क्या, चतुर्भुज में आपको समास पूछे, तो इसमें देखिए आपको नंबर्स तो पता चल रहे होंगे कि नंबर्स आ रहा है तो ये क्या होगा, तो ये हमारा कैसा होगा समास, दिग होगा। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, भगवान के पर्यायवाची है, तो भगवान के पर्यायवाची शब्दों में जितने भी होते हैं वो सब में बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। क्यों, क्योंकि इस चतुर्भुज में क्या है, जो पद है वो तीसरे के लिए आरूढ़ हो चुका है। क्या है, चतुर्भुज, अर्थात चतुर्भुज मतलब हो गया कि चार भुजाओं वाला। ठीक है, तो चार भुजाओं वाला तो कौन है, विष्णु जी। तो ये यानी कि तीसरे के लिए क्या हो चुका है, आरूढ़ हो चुका है, ये तीसरे के लिए आया शब्द, तीसरे के लिए, तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो कौन सा होगा, भले ही समास का कोई नियम लगता हो, मतलब नहीं है कोई भी नियम लगता हो, किसी भी शब्द में समास का कोई नियम लगता हो, लेकिन वो जब तीसरे के लिए आरूढ़ हो जाता है तो उसमें सदैव बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज आ गया, चतुरानन आ गया, ठीक है, चतुरानन, तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास याद रखिएगा। चलिए इसमें अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, कभी भी क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आ जाए क्या, कि जैसे क्वेश्चन वो दे देता है आपका, इसे पूछ लिया कि बताइए पीताम्बर की वो बात करेगा, पीताम्बर में कौन समास है, तो पीताम्बर में कौन सा, बहुव्रीहि, क्योंकि पीताम्बर किसके लिए आता है, पीताम्बर किसका पर्यायवाची है, तो कृष्ण के लिए, क्यों कि पीला वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात कौन, कृष्ण जी, तो ये किसी पीताम्बर किसी तीसरे के लिए क्या हो चुका है, आरूढ़ हो चुका है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि होगा, कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। फिर देखिए हम इसमें अगर बात कर लें, इस अभी से पहले हम चर्चा किया, जैसे आ गया इसमें आ गया आपका नीलकंठ, आ गया नीलकंठ, तब भी इसमें कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा, लेकिन बहुव्रीहि तब नहीं होगा जब इसमें कुछ क्वेश्चन वो वाक्य प्रयोग करके दे दे, देखिएगा कब नहीं होगा, जब कह दे कि राम को चाय पीने से नीलकंठ हो गया। ठीक है, क्या पूछे, जब वो पूछे कि राम को चाय पीने से नीलकंठ हो गया, और नीलकंठ को क्या कर दे, रेखांकित कर दे, क्या कर दे, रेखांकित कर दे, तो वहां पर नीलकंठ में आपका बहुव्रीहि फिर नहीं होगा, क्या होगा, तो वो आपका फिर क्या होगा, फिर वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या, जब ये वाक्य प्रयोग कर दे, ठीक है, तब की बात बता रहे हैं, तो कर्मधारय होगा, क्यों, क्योंकि अब चाय पीने से नीलकंठ हो गया तो वहां तो अब पर्यायवाची रहा नहीं शिव जी का, लेकिन अगर सिर्फ लिखा है नीलकंठ तो ये यहाँ पे शिव का पर्यायवाची है, तो इसलिए हो जाएगा ये। ठीक है, फिर अगला देखिए, चतुर्भुज, अगर हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में कहा जाए कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है, चतुर्भुज में तो कौन सा है, तो इसमें हमारा कौन समास है, तो वैसे नॉर्मली अगर लिखा है तो ये बहुव्रीहि है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करके देता, अगर कैसे देता, कहता कि राम चतुर्भुज बनाता है, क्या, राम चतुर्भुज बनाता है, तो अब चतुर्भुज बनाता है तो वो एक डायग्राम बना रहा होगा, एक आकृति बना रहा होगा, तो अब वहां भगवान का पर्यायवाची नहीं रहा वो, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, तो क्या, कर्मधारय, जैसे यहाँ पे लिखा है पीताम्बर, तो ठीक है पीताम्बर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बहुव्रीहि समास है, लेकिन जब वाक्य प्रयोग करके देता कि राम पीताम्बर ओढ़े जा रहा है, राम पीताम्बर ओढ़े जा रहा है,
तब पूछेगा बताइए पीताम्बर में कौन सा समास है, तो वहां पे क्या होगा कर्मधारय होगा। आप इन चीजों पे विशेष ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। अगला जब इसमें बात करेंगे तो जिसे आ जाएगा निर्जन, निर्जन। निर्जन में भी कौन सा है, निर्जन मतलब ऐसा स्थान जहां पर जन ना हो, लोग ना हो, है नहीं, जो सुनसान जगह वो निर्जन। इसमें समास कौन सा होगा, बहुव्रीही हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें यहीं पे नीरज, अब नीरज ये जो है ये किसी तीसरे के लिए क्या हो चुका है, आरूढ़ हो चुका है। तो नीरज, नीर में जन्मने वाला अर्थात क्या हो सकता है, कमल, क्या कमल। फिर देखिए त्रिपिटक, आप जब त्रिपिटक देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये तो द्विगु है, संख्या है, द्विगु निगल नहीं। क्यों, क्योंकि त्रिपिटक क्या है, एक विशेष ग्रंथ है बौद्ध धर्मों का। ठीक है, तो जब क्या होगा, जब ये विशेष धर्म, हमने कहा ना कि जब नियम समास का नियम कोई लगता हो लेकिन जब वो तीसरे के लिए आरूढ़ हो जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, वहां पे हमेशा सदैव बहुव्रीहि हो जाएगा। तो ये त्रिपिटक लिखा है, तो इस त्रिपिटक की हम बात करें तो त्रिपिटक में कौन समास है, तो बहुव्रीहि है। क्यों, क्योंकि ये एक विशेष ग्रंथ है किसका, बौद्धों का। ठीक है, त्रिपिटक तो याद रखिएगा, आप पढ़ते हो ना सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिदम्ब पिटक, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा आ जाए पुंडरिक, पुंडरिक। अब आप जान गए हैं कि जो पुंडरिक है इसमें कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि है। क्यों, क्यों, पुंडरिक मतलब होता है क्या कि कमल जैसा मुलायम, क्या कमल जैसा मुलायम, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो आपका यहां पे जो समास हो जाएगा और अर्थात किसका ये पर्यायवाची है, तो विष्णु का है, तब भी आप जान गए। ठीक है, आ जाए यहां पे दशानन, दशानन, दशानन। दस है आनंद जिसके, है नहीं, दस आनंद, आनंद मतलब मुख, दस मुखो वाला, क्या दस मुखो वाला। ठीक है, तो दस मुखो वाले में बात करेंगे तो कौन रावण हो जाएगा। फिर अगर बात करें यहां पर अगला जैसे आ गया क्या मकर ध्वज, क्या मकर ध्वज, मकर, मकर ध्वज, तो ये भी क्या है, मकर ध्वज किसका पर्यायवाची है, तो बताना ये कामदेव का पर्यायवाची है। जैसे आ गया अनंग, ये भी किसका है, इसका है। फिर अतनु, जिसका तनु यानी शरीर ना हो, अतनु, अनंग जो नंग हो, तो ये कामदेव का पर्यायवाची है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब देखेंगे इसमें और बहुत सारे उदाहरण है, जब कभी भी स और सह का प्रयोग, याद रखिएगा इसमें देखिए हम लोग उपसर्गों का प्रयोग करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उपसर्ग केवल और केवल अव्ययीभाव में लगते हैं। हमने कहाँ लगाए थे, तो हमने कर्मधारय में भी लगाए थे, और हम कहाँ लगाएंगे, तो हम बहुव्रीहि में भी लगाएंगे उपसर्ग। देखिए कब लगाएंगे, स और सह, सह शब्द का प्रयोग सहयोग या साथ के लिए किया जाए साथ के लिए किया जाए तो उसमें उसमें बहुव्रीहि समास होगा, तो उसमें कौन समास होगा, बहुव्रीहि होगा। देखिए कैसे, जैसे हमने लिख दिया श हृदय, उदाहरण देखिए स हृदय, तो इसमें जब देखेंगे इसमें स का प्रयोग हुआ है, मतलब हृदय के साथ, क्या होगा हृदय के साथ, तो इसमें स का प्रयोग किसके लिए हुआ है, साथ के लिए। जैसे इधर लिखा जाए सफल, सफल में कौन सा समास, तो बहुव्रीहि, क्या फल के साथ, हो गया ना फल के साथ। फिर आ जाए सपत्निक, सपत्निक, तो सपत्निक में क्या हो जाएगा,
पत्नी के साथ, सपरिवार यानी कि परिवार के साथ, आ गया ना परिवार के साथ। फिर लिखेंगे सभ्राता, सभ्राता तो इसमें क्या होगा, भ्राता मतलब भाई, भाई के साथ, ठीक है। सकुशल आ जाए ऐसे, सकुशल यानी कि कुशल के साथ, क्या कुशल के साथ, जैसे आ जाए सानुज, सानुज अनुज होता ना छोटा, तो छोटे के साथ, तो सानुज हो गया। तो जब स और सा का प्रयोग साथ के लिए किया जाए तो वहां पे सदैव कौन सा समास होगा, तो वहां सदैव बहुव्रीही समास का क्या होगा, उदाहरण होगा। आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीजें याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे हम बात कर लेंगे दो चार उदाहरण, जैसे कि आपका दूरदर्शन में कौन सा समास है, तो कौन सा है, बहुव्रीही। आ जाए लोकसभा में कौन सा समास है, लोकसभा में क्या होगा, तब भी बहुव्रीही, ठीक है, बहुव्रीही। तो इन शब्दों में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या आपसे पूछ ही ले, लोकपाल पूछ ले, लोकपाल पूछ ले, या दुमुहा पूछ ले, दुमुहा, ठीक है, दुमुहा या दुमुही, है नहीं, एक विशेष प्रकार का सांप होता है दुमुही। दुमुहा वो होता है कि मतलब कि दोनों तरफ बात करने वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं एक तरीके से दोगला कह सकते हो, दुमुहा। दुमुही क्या होता है, दुमुही आपका सांप होता है एक विशेष प्रकार का, जिसके दो मुंह होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका दुमुही और दुमुहा में आपका क्या नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, क्या होगा, बहुव्रीही हो जाएगा। तो हमने बहुव्रीही के बारे में देख लिया। अब चलिए देखते हैं एक दूसरा समास होता है हमारा नय समास, उसके बारे में जानते हैं। क्या एक आता आपका नय समास, नय समास। तो ये जो नय समास है, जब इसके बारे में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब क्या हो, नय समास में क्या होगा कि जब क्या होगा, इसमें अ और अन, अ और अन अन उपसर्ग, उपसर्ग जोड़कर नहीं का अर्थ बताने हेतु किया जाए तो उसमें क्या होगा, तो उसमें हमेशा नय समास होगा, क्या होगा, नय समास होगा। ये भी तत्पुरुष का ये अन्य भेदों में आता है कि तत्पुरुष समास का ये अन्य भेद है, नय समास होगा इसमें। देखिए कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं इसमें, अगर हम बात करें कि कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं, तो देखिए कैसे कैसे आएंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे इसमें आ गया क्या आपका अनचाहा, जैसे इसमें क्या आ गया अनचाहा, तो मतलब न चाहा, ये तो अनचाहा क्या हो गया, न चाहा, इसमें भी क्या होगा आपका नय समास होगा। फिर आ गया अनहोनी, अन होनी न होने वाली घटना, ठीक है, इसमें भी आपका आ जाएगा। फिर देखेंगे अगोचर, अगोचर क्या, नय गोचर, जो ना दिखे, यही तो हो जाएगा इसमें। फिर देखेंगे अकारण, अकारण जिसमें कारण ना हो, है नहीं। फिर इसमें अगर बात करें तो अनपढ़, जो पढ़ा ना हो, ये तो जो पढ़ा ना हो। अपवित्र, अपवित्र अकाल, जो पवित्र ना हो, नहीं अकाल मतलब कि अकाल मतलब क्या हो, काल ना हो,
ठीक है, अजन्मा, इसमें बहुत सारे उदाहरण आपके मिल जाएंगे, अजन्मा, अन्याय, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन इसे मिल सकता है। तो आप समझ गए ना कि जो नए समास होता है, नए समास में क्या इसकी विशेषता होती है और कैसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो जब भी क्या हो, आप देख पा रहे हैं ना कि इसमें क्या हो रहा है कि जो ये अन आ रहा है, अन अन या अ आ रहा है, अ ये नहीं के संदर्भ में आ रहा है, क्या रहा है, ये नहीं। आपने पहले देखा उससे पहले अ जुड़ा हुआ है, ये सभी क्या रहा है कि नहीं के संदर्भ में आ रहा है। तो इसलिए यहां पर हम बात करें तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, न समास हो जाएगा, है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है आपको, ठीक है, आप याद रखिएगा इनको कि जहां अ और अन, अ और अन नहीं के संदर्भ में आए वहां पे हमेशा कौन सा समास होगा, तो हमेशा वहां कौन सा होगा, तो याद रखिएगा आपका न समास होगा, कौन सा होगा, न समास होगा। इसमें कौन समास होगा, नए समास होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक है, जो हमारा नया समास था वो उभरी समास था, सिर्फ इसको ही क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो आगे के वीडियो में हम लोग आगे का इसका लेके आएंगे सीरीज, जो उसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो गया हमारा और साथ में किसका हो गया, नए का हो गया। जो अगला वीडियो होगा उसमें होगा हमारा कौन सा, तो उसमें होगा हमारा क्या, उसमें तत्पुरुष समास होगा, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।